रहना कदम आहिस्ता रहना कदम आहिस्ता। थैंक यू एवरीवन। इस साइड से शोर चाहिए ऊपर वालों से। हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ना। थैंक यू। क्योंकि जो थोड़े दूर होते हैं उनकी कदर ज्यादा होती है, जो नजदीक है वो यहाँ से पंजाब से कितने लोग हैं सर? ये जी। और सिंध से भी है। हेलो जी, हेलो सिस्टर, वेलकम टू सिस्टर। कोई नहीं है, ठीक है। केपी केपी ऑयल जो पंजाब का मुकाबला चल रहा है, पाकिस्तानी कितने एक बार शोर करके बताना। पाकिस्तानी आज 23 मार्च, तो आप लोगों ने मिलकर एक बार तुम नारा लगाना है मेरे साथ के पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल, हम एक दिली नगमा जो कि बहुत अभी तक दिलों में छाया हुआ है वाइटल साइंस का, दिल दिल पाकिस्तान में मिलके गाएंगे। आप सब ने मिलके गाना, ठीक है मेरे साथ। हम ट्रिब्यूट देंगे अपनी खूबसूरत सी कंट्री पाकिस्तान को, और आप सब लोगों ने मन के गाने हैं क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी हैं सारे, तो पाकिस्तान को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बिल्कुल, देखते किस किस को याद है यहाँ। चले मिल के गाए तो आप लाइव चलेंगे, लाइव चलेंगे। Thank you.
अच्छा टिकटॉक कोई यूज नहीं कर रहा ऊपर, वैसे कोई कोई यूज नहीं कर रहा टिकटॉक। आगे यूट्यूब कितने लोग यूज करते हैं? यूट्यूब कौन यूज करता है? आगे अगर आप ये दोनों एप्स में से 50-50% भी आप यूज कर रहे हो तो एक सॉन्ग वन ईयर बैक काफी हिट हुआ, इस सॉन्ग तेरे शहर में हम सनम आए हैं बस इतना में, किस किसने गाना सुना? आप ऊपर करके शोर करके बता रहे तो आप लोग बचाइए कि ये गाना सुन रहे हैं आप लोगों ने, जिस जिससे याद है वो आगे आएंगे। इस्लाम किस किसने याद है? आप ऊपर करके तेरे शहर दो बंदों को याद, इसका मतलब मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगा, यहां से दो लोगों ने सुना तेरे शहर, किस किसने सुना ये सॉन्ग? हाथ ऊपर। Here we go, this song. अच्छा भी गेट करूंगा कि इस सॉन्ग तमाम जितने खूबसूरत लोग इस वक्त देख रहे हैं मुझे चारों तरफ से, आप सबके लिए ये लाइन्स। वो तो कहता था, वो तो कहता था बहार आई तो लौट आएगा, लौटना मेरे महबूब बहार आई है। एक बार शोर करके बता रहे सब, वो तो सदियों का सफर करके यहां आया था, तुमने जो शख्स को मुंह फेर के देखा भी नहीं। अटक की तरफ से हम तमाम सिटीज पाकिस्तान की जितनी है डेडिकेट करेंगे ये सॉन्ग के, कभी अटक आए और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी देखे, यहाँ का क्राउड देखे, आप लोगों को मिल के गाना मेरे साथ। वो तेरे शहर में मिसल आए बस के शहर में, तेरे शहर में मस्त बस के
लहर में लहर में वो सारे दोस्त मिलते हैं तुम से तेरे शहर में हमसे बोलाए बस के लहर में हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं अफरार जिन्होंने ये गाना किया था एक मूवी के लिए अफगान चले भी किस किसने सॉन्ग सुना कौन कौन सुनना चाहता है अफगान चले भी हाथ ऊपर करके बता रहे हैं ये सॉन्ग करेंगे आप लोगों के लिए कसम भोजन उसका ठीक है बहुत ही खूबसूरत म्यूजिशियन है हमारे अब्बास गुरदर सिंह की अपनी बहुत ही अच्छा बैंड भी है कव्वाली बैंड भी है और शुक्रगुजार है कि आप हमारे साथ ही परफॉर्म करने आते हैं थैंक यू वेरी मच मैं क्लैपिंग कर दिया I'm gonna be a star.
उठा के उनको पहले मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करूंगा, उनको ट्रिब्यूट देंगे। आप लोगों की एनर्जी पूरी आनी चाहिए। सरायकी हो हाथ ऊपर करो। ब्यूटीफुल लाइफ भाई बाबा बोलेश्वर शादी मशरूक नथी मडे प्यार दे विचो गलत निकाहरी हर मुदा तू मैं चुकी जिन मूसा खुदा की Thank you.
तुम चले
करके तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी। मिलके गाइए, तेरे आने की खबर याद तेरी दिल से भी ना हो गए चले आओ पहाड़ों की कसम की कसम। वाह ये नया सुर बहुत अच्छा है, एक बार क्लैपिंग कर दें इसके लिए। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, ठीक है ना। दिन देख के सो रहा ऐसे नहीं होता ना। अब आपको शेर सुनाना है, नहीं ये तो नहीं, स्टार्टिंग लाइन आपको आगे लाए, तेरे आने की खबर ना आ सकी। ठीक है आते है? नहीं अंत में तो नीचे है यार, अस्थाई ऊपर है इसकी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप गए हम आपको फॉलो करेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। प्लीज आपका नाम भूल रहे सैयद अकमाल शाह की एक बार क्लैपिंग कर देंगे कहेंगे हमारे लिए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ शाहजहान। मैं आपकी मजीद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, पूछो क्यों? क्योंकि आपके फैंस वॉचिंग इतनी ज्यादा है, वो कहते हैं बैठ जाओ इधर, खबरदार तुम सामने नजर आए। अच्छा ऐसा किसने बोला आपको? अच्छा 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 वो उन्होंने बोला, ठीक है ठीक है। आई लव माई फैंस और मैं सबको तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पाकिस्तान को जो ट्रिब्यूट दिया आज, और जिस तरीके से आप लोगों ने अपना पैशन दिखाया, शोर दिखाया, वो काबिले दाद है। एक बार शोर करके बता दे वंस अगेन। नेक्स्ट लाइन हम करेंगे बहुत खूबसूरत लाइन, वन ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि अली सफर साहब ने भी सतपारा को ट्रिब्यूट दिया और ये सॉन्ग दोबारा किया, और इसकी ओवरऑल लाइन सिक्स लाइन है, सिक्स शेर है, छह, बट मैं जो बेस्ट शेर है वो आप लोगों को सुनाऊंगा कि तेरे बिन वीराने हैं ये रास्ते, छोड़ तक तो आजा मेरे वास्ते, तेरे बिन वीराने हैं ये रास्ते, छोड़ तक तो आजा मेरे शाह।
सुना रहता तू जुल्फा Thank you all guys, love you all, thank you everyone. हम लोग आप लोगों से आप इजाजत और मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नए मौके पर आप लोगों के साथ दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. शाम के लिए एक दफा भरपूर किस्म की तालियां शाम खान के लिए. थैंक यू सो मच. और इंशाल्लाह यहाँ से भी मैं अब इजाजत चाह रहा हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी. आई होप सो आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल नाइट को एंजॉय किया होगा. So I'm very thankful to Mehriya Hypermarket and all management and especially Woodward CEO Sony Madan and Fahad Parveshji and my all team. See you next time. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. पाकिस्तान. मुझे तो दोनों प्रोग्राम अच्छे लगे थे, पिछले भी और ये भी.
लेकिन ये शान कुछ ज़्यादा नहीं निकल गया बिल्कुल यही बात है, बहुत ज़्यादा हो गया बहुत लोगों की मेहनत हुई है तो वैसे हम परेशान थे कि क्राउड ही होगा लेकिन एंड टाइम बहुत क्राउड आ गया। अच्छा नहीं इस दफ़ा क्राउड ने गुजारा भी किया बड़ा गुजारा किया और माशाल्लाह जितने फैमिलीज बच्चे हैं बड़े खुश हुए और मैं समझता हूँ कि आप काबिल फ़ख्र हैं, आप अहबाब इतनी मेहनत करके एक प्रोग्राम से जाते हैं अटक वालों के लिए अटक के लिए और मैं समझता हूँ कि मैं 100% नंबर दे रहा हूँ आप सारे स्टाफ को। ठीक है तो आसिम भाई हमारे मीडिया को भी देखते हैं और IT डिपार्टमेंट से हैं मीडिया के नहायत अच्छे आदमी हैं और इधर एक और मुकरम एक मिनट एक्सक्यूज मी ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं इनके पीछे कुछ कुछ अहबाब की खिदमत होती है ये उनमें से एक है मोहतरम यासिर। अच्छा दारी टीवी ने पहले भी प्रोग्राम लाइव दिखाए और इसके अलावा ये प्रोग्राम भी सुबह मुशाई के बाद लाइव चल रहा है, ये बताइएगा इस किस्म के मामला पहले नहीं थे मीडिया एक्टिव हो रही है इस मामले में क्या ये मामला आगे भी जारी रहेंगे इंशाल्लाह सर हम थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये वो अहबाब हैं जिनकी हेल्प से जिनके काविश से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचता है, ये माहौल आप बिल्कुल देख रहे हैं मेरिया मॉल एंड हाइपर मार्केट का बिल्कुल प्रोग्राम वाइंड अप हो चुका है और ये आखिरी मुनाजर आप हॉल से देख रहे हैं। अटक डायरी ने हमेशा कोशिश की कि जनाब लाइव मुनाजर हैं अटक में खासकर इवेंट के वहाँ तक पहुँचाएँ और किसी हद तक हम इसमें कामयाब रहे। हम चाहते हैं कि ये जो सिलसिला है अच्छे माहौल का ये आगे जारी रहे और जिस तरह आज आज़ादी का दिन था 23 मार्च बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि ये जो आज़ादी है इसकी जो इसका जो हक है वो बेहतर अंदाज और शास्त्री जी से अदा किया जाए। ये सारी हमने की है। अच्छा आपने की डेकोरेशन नाम क्या आपका? हसन रजा। मेरिया मॉल से ताल्लुक है आपका? अच्छा जंग से ताल्लुक है। अच्छा मार्की में काम करते हैं आप? अच्छा डेकोरेशन वगैरह सारे आपने की है? ये इस मोहतरम को देख लें जनाब ये जितनी यहाँ पर रौनक है ये डेकोरेशन है बैलून्स लगे हैं साथ में लाइट्स वगैरह जितने भी अरेंजमेंट है इनमें इस भाई का भी हाथ है तो अप्रिशिएट आपको बता देता हूँ ये आपकी वजह से अच्छा प्रोग्राम देखने वालों को मिला। सर मोहतरम ये ऑर्गेनाइजर है जो प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं सोनी भाई का जिक्र सुबह आर जे पी के साथ हुआ बेसिकली सुने में हम साथ थे शाम भी हमारे पुलिस भी है अच्छी बात है। थैंक यू सो मच मैं आपकी जो रिकॉर्डिंग चाहूँगा आप रिकॉर्डिंग मेरे लाइफ जो भी होगा उसको यस कॉन्टेक्ट करता हूँ बस है सर आप मुझे बहुत ही शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाजरीन ये सोनी भाई थे जो ऑर्गेनाइजर थे इस इवेंट के। एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना ये भी एक हुनर है एक फन है यानी हर कोई ये काम नहीं कर सकता उसको मैनेज करना उसको एक हद तक अच्छे अंदाज में वाइंड अप करना एक बड़ा जिगर गोश का काम है। जिस तरह शान को आपने देखा वो उर्दू पश्तो हिंद को सिखाई की यानी कि काफ़ी लहजों में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया महसूस भी किया आवाम को देखने वालों को तो बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा किया और सांसों ने साथ दिया तो आपसे होगी मुलाकात। जी एक मोहतरम आए हैं मैं इनसे बात इजाज़त से पहले इस मोहतरम से बात करते हैं। मोहतरम कैसे हैं आप? नाम बताइएगा अपना। नासिर सलीम में कैसे हैं आप? कैसे मेरे ख्याल में आपसे कहीं मुलाकात नहीं आपकी कैसे आप ठीक है? क्या देखते हैं अटक में इस किस्म का माहौल पहले हमें देखने को नहीं पता न्यू ईयर सेलिब्रेशन उसके बाद 23 मार्च यानी कि आम दिन हमारे अटक वालों के लिए खुशनसीब साबित हो रहे हैं आप क्या समझते हैं? नहीं माशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है और स्पेशली पहले बहुत रिजेक्शन है सबको पॉजिटिव है बेहतरीन होगी और पहले इस तरह मेरे को भी ऐसा मसले नहीं होता था यहाँ इन्वाइट करने का पूरी फैमिली के साथ फैमिली ऐसा कोई मसला नहीं है माशाल्लाह वागो भी और पेरेंट्स
बिल्कुल जी, ये फैंस हैं अटक डायरी टीवी के और अटक के रिहायशी हैं जो एक मोहतरम है, एक मोहतरम से आपको मिलाता हूँ। ये वो मोहतरम है जिन्होंने सुबह आगाज में एक नात पढ़ी और यकीन जानिएगा मेरे बड़े भाइयों की तरह, लेकिन जो नजम नात उन्होंने पढ़ी मैं हैरान रह गया। इतनी खूबसूरत आवाज़ है मेरे अटक शहर में मौजूद है और ये जो प्रोग्राम आपने देखा इसके अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन है। जनाब शाहब भाई, ये एडमिन असिस्टेंट एडमिन है मेरिया मॉल में, ये इनको देख लें, कोई शिकायत हो तो डायरेक्ट इनसे कीजिएगा। अच्छा शाहब भाई, मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, मेरी मॉल की तमाम टीम को, बहुत अच्छा लगा, पहले प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था, इसने और चार चांद लगा दिए। अच्छा फैमिलीज बड़ी खुश हुई हैं, बच्चे खुश हुए हैं, इस दफ़ा आवाम ने बड़ा साथ दिया, क्या कहते हैं उस तरह के हमारा पहला टाइम था। अच्छा उसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ हमारी थी उसको और हमने कोशिश की है किया और ये कॉम्पैक्ट फैमिली जो अच्छी अच्छी फैमिली थी उनको आने की उनको इजाज़त नहीं आने की, वो एक अच्छा सा घरेलू सा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, एक पढ़ा लिखा सा सुलझा हुआ। और इंशाल्लाह अच्छा क्या 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 नहीं उम्मीद रखूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ये जो सिलसिला ये जारी है। जरूर जरूर, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, क्या बात है शाह भाई, थैंक यू सो मच। इन अहबाब की बड़ी काविश है, मेहनत है इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में, और अटक डायरी टीवी नहीं है जो प्रोग्राम है ये लाइव दिखाया आपको, तो बिल्कुल जिंदगी ने वफा दी और सांसों ने साथ दिया, तो आपसे होगी मुलाकात करीम खान की दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अटक वाले जिंदाबाद।